हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं एक मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन और नशा मुक्ति तज्ञ हूँ और मैं NLP ट्रेनर और एक कोच भी हूँ। काफ़ी सारे माँ बाप मेरे पास में आते हैं और वो शिकायत करते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो झूठ बोलता है, या टीवी बहुत देखता है, या गुस्सा करता है। होता क्या है कि घर में एक तो दादा दादी रहते हैं, तो टीवी दादा दादी देखते रहते हैं। फिर मम्मी को जब फुर्सत मिलती है तो मम्मी क्या करती है? मम्मी टीवी देखती है। डैडी जब ऑफिस से आते हैं, ऑफिस से आने के बाद में चाय पीना, पेपर पढ़ना चालू रहता है और उनको जब समय मिल जाता है तो डैडी क्या कहते हैं? मुझे टीवी देखना है, और वो टीवी देखते हैं। मतलब घर में सब प्राणी जो जो लोग हैं, दादा दादी रहो या माँ रहो या डैडी रहो, जिनको जिनको खाली समय मिलता है, और जब जब वो खाली समय मिलता है तब तो वो टीवी देखते हैं। तो बच्चा क्या करेगा? बच्चे को भी जब खाली समय मिलेगा तो भी टीवी देखेगा, क्योंकि माँ बाप बोलते हैं ना, टीवी मत देख, टीवी मत देख, टीवी मत देख। उनके कथनी और करनी, तो कथनी करने में फ़र्क है। बोलते टीवी मत देख, और खुद तो टीवी देखते रहते हैं। तो यदि बच्चों का टीवी का जो एडिक्शन है वो यदि कम करना है, तो उनको खुद को पहले टीवी देखना कम करना पड़ेगा, या घर में बाकी लोगों को जो है वो टीवी देखना कम करना पड़ेगा। दूसरा है, माँ बाप बोलते कि भाई बच्चे झूठ बोलते हैं। मेरा भाई, बच्चे को झूठ बोलना सिखाया किसने? बच्चा जब पैदा हुआ तब तो उसको तो मैं नहीं था, आइडेंटिटी नहीं थी, भाषा नहीं थी, कुछ नहीं था। 2 साल का जब बच्चा होता है तो उसको भाषा आना शुरू हो जाती है, वो सेंटेंसेस पूरा बोलता है। उसको हम सिखाते रहते हैं, तो सीखता कहाँ से है? सीखता अपने परिवार से है। तो परिवार के लोग यदि झूठ बोलते रहते हैं तो फिर वो वहीं से सीखेगा झूठ बोलना। तो जब वो बोलते हैं कि भाई मेरा बच्चा झूठ बोलता है, मेरा भाई सीखा कहाँ से? सिखाने वाला कौन है? बहुत बार ऐसा होता है कि बाहर का फ़ोन आता है और हम बच्चों को बोलते हैं कि ले ले तू फ़ोन उठा ले, और बोल दे कि पापा घर पे नहीं है, वो फ़ोन घर पे भूल गए। तो बच्चा फ़ोन उठाता है और बोलता है कि पापा ऐसा बोल रहे हैं कि पापा घर पे नहीं है, फ़ोन घर पे भूल रहे हैं, और उसको डांट पड़ती है कि तूने ऐसा कैसा बोला, मूर्ख, अक्कल नहीं तेरे को, ऐसा वैसा बोलना चालू कर देते हैं। मतलब उसको मालूम है कि भाई पापा को जब बात करनी नहीं है तो वो झूठ बोलते हैं कि पापा घर में नहीं, जब उसको मालूम कि पापा घर में है। तो ये सिखाने वाले जो लोग हैं वो हम सब लोग हैं, घर के बड़े लोग जो सिखाते हैं। तो पहले ये देखना पड़ेगा कि घर के लोगों को पहले प्रामाणिकता से बात करनी पड़ेगी, सच्चाई से बात करनी पड़ेगी, तब बच्चा भी सच्चाई से बात करेगा। फिर आई बात चिल्लाने की या गुस्सा करने की। बोले बोले बस बच्चा गुस्सा करता है। मैं बोलता हूँ भाई सिखाया किसने? क्योंकि जब मम्मी को उसके मन जैसा होता नहीं है तो वो चिल्लाती है बच्चे के ऊपर, या पापा के ऊपर भी कभी कभी जब मौका मिलता है। तो पापा को जैसा मन जैसा कुछ होता नहीं है तो पापा भी चिल्लाते हैं घर में। तो बच्चे को ये समझ जाता है कि भाई मन जैसा नहीं हुआ तो चिल्ला के काम हो जाता है, तो वो भी वही सीखता है कि भाई मन जैसा नहीं हुआ तो चिल्ला के काम करो, चिल्लाओ, चीखो जोर से, ताकि वो बंद करने के लिए कम से कम अपने को जो भी कुछ है वो मिल जाएगा। तो ऐसा बोला जाता है कि एक्शंस दे स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। क्या आप जो बोलते हैं वैसा करते हैं क्या? और यदि बोलने में और करने में यदि फर्क है तो जो करते हैं वही लोगों को ज़्यादा ख्याल में रहता है, आप जो बोलते हैं वो कम सुनाई आता है। तो आज से ये माँ बाप ने प्रण करने का है कि जो बोलेंगे वही करेंगे। वॉक एज यू टॉक ऐसा बोलते हैं। और आपने अभी तक गंदगी करके रखी होंगी घर में, मुझे बोला वैसा करके कि झूठ बोलना, चिल्लाना, टीवी देखना, तो उसको साफ करने के लिए भी बहुत टाइम लगेगा। अब ये करते हो तो डेफिनेटली आपका भी बच्चा एक आदर्श बच्चा बन सकता है कि जो भी आप जैसा करते हो वैसे ही करेगा। सो थैंक यू वेरी मच। आपके बच्चे, आपको जो लोग पता है, आपके दोस्त होंगे, उनके काफ़ी
घर में ऐसी प्रॉब्लम होंगे कि बच्चा झूठ बोलता है, चिल्लाता है, टीवी देखता है। तो ये जो है वीडियो, ये सबको शेयर करो, आप जितने भी आपके संपर्क में लोग होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप होंगे या फेसबुक के ग्रुप होंगे, सब तरह ये शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठाएं और एक आने वाली हमारी पीढ़ी जो है वो एक सच्चाई की पीढ़ी, सच्ची सच्चे इंसान की पीढ़ी तैयार हो जाए। तो आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।